खबरें काफी ज्यादा हो गई हैं। उसकी वजह है कि बहुत सारे देशों में बहुत सारी लीक्स चल रही है और इंटरनेशनल क्रिकेट भी इस वक्त अपने उफान पर है। ऐसे में तमाम देश के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो धीरे धीरे अपना नाम वापस ले रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जब पाकिस्तान सुपर लीग के पहले पोस्टर की तस्वीरें आती हैं तो मानो किसी शहर किसी जिले में होने वाली एक ऑर्डिनरी सी लीग में 5-6 कप्तानों खड़ा कर दिया। जिस तरह का PSL का एंथम आया है, ये तमाम चीज़ें थोड़ी हैरान करने वाली। एंथम में भी वो क्वालिटी की बात नहीं आई और सबसे हैरानी की बात वही थी कि यार PSL में शदाब खान का जीन्स पहनना, रिजवान का फूफा बनकर खड़े हो जाना, मतलब बड़ा ही अनप्रोफेशनल सा माहौल था। आपको लगता है कि ये एटीट्यूड सही है? ये इसकी वजह आपको क्या लगती है, क्यों ऐसा हुआ होगा और PSL क्या अपना चार्म खो देगा इन चीज़ों से? अगर आप पाकिस्तान में होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के फैन हैं और PSL को आप काफ़ी हाई रेट करते हैं तो PSL को लेकर जो खबरें जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं। मतलब एक तो उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों के उससे नाम वापस लेने की खबरें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। उसकी वजह है कि बहुत सारे देशों में बहुत सारी लीग्स चल रही है और इंटरनेशनल क्रिकेट भी इस वक्त अपने उफान पर है। ऐसे में तमाम देश के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो धीरे धीरे अपना नाम वापस ले रहे हैं, जिससे PSL को झटका लग रहा है। लेकिन उससे पहले PSL को लेकर जो तस्वीर आती है उसकी ट्रॉफी को लेकर, वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली थी और उसकी वजह थी वो फोटोशूट। यार मतलब शादाब खान जीन्स पहन के पहुंच गए, रिजवान ऐसा लग रहा था कि शादी में समोसा खाने पहुंचे थे और किसी को अब की बार हमको वोट दीजिएगा वो वाले कपड़े में आए थे। मतलब कोई प्रॉपर किट नहीं, कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं, सरफराज खान वहां क्यों पहुंचे थे ये किसी को पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि जब पाकिस्तान सुपर लीग के पहले पोस्टर की तस्वीरें आती हैं तो मानो किसी शहर किसी जिले में होने वाली एक ऑर्डिनरी सी लीग में 5-6 कप्तानों खड़ा कर दिया। वो जो गांवों में शहरों में टूर्नामेंट होते हैं उसमें भी लड़के लपाड़े जो कप्तान होते हैं वो भी तमीज से जर्सी पहन के जाते हैं, लेकिन PSL में ये नहीं दिखाई पड़ा। ऐसे में सवाल ये, क्या गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और क्या ऐसे आप IPL और बाकी लीग से कंपटीशन करेंगे? उधर PSL से खिलाड़ियों के नाम लेने का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है। अभी हाल फिलहाल में एक नया नाम जो आया है वो आया है टॉपली का। टॉपले ने PSL से नाम वापस लिया है और वो मुंबई इंडियंस की जो IL20 वाली फ्रेंचाइज है उससे खेलते हुए नजर आएंगे। तो खिलाड़ियों का एक लीग छोड़कर दूसरे लीग में जाना और शू करना ये भी अपने आप में हैरान है। हालांकि टॉपली के किस्से में ये आया कि यार पाकिस्तान सुपर लीग से नाम इसलिए वापस लिया क्योंकि उनके बोर्ड ने उन्हें NOC नहीं दिया था। लेकिन तभी खबर आई कि 24 घंटे के अंदर एक दूसरे फ्रेंचाइज के साथ उन्होंने अपना टाइप कर लिया और इंटरनेशनल T20 को साइन किया। अब IL T20 जो है उसमें वो मुंबई की तरफ से खेलेंगे, MI Emirates की तरफ से, और MI Emirates जो है वो अंबानी की है। कितने पैसों में डील हुई है, क्या हुई है पता नहीं। तो एक कहानी तो ये भी है कि जिसके पास जितना पैसा होगा वो अपने यहाँ पर बुला लेगा लोगों को। कई और खिलाड़ियों को लेकर भी चल रहा है कि इश्यूज होने वाले, जैसे लुंगी जो है पेशावर जलमी से खेलते हैं वो शुरुआत में नहीं रहेंगे, क्वेटा ग्लेडिएटर्स को हसरंगा के बिना शुरू करना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज में शाई होप जो है वो शुरू में नहीं रहेंगे, मैथ्यू फोर्ड, अकील हुसैन, ये तमाम खिलाड़ी शुरू में नहीं रहेंगे, वांडे डूसन भी PSL के शुरुआत में नहीं रहेंगे, फिर नूर अहमद जो है वो पूरे टूर्नामेंट में नजर नहीं आएंगे। तो कई सारे प्लेयर जो है वो नाम वापस ले रहे हैं और पाकिस्तान से भी आ रहा है कि यार बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, IL20 हो, इन तमाम लीग्स की वजह से कई खिलाड़ियों में बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि यहाँ जाएं। और क्योंकि 17 फरवरी से शुरू हो रहा है ये, जब ये शुरू हो रहा है तब इंटरनेशनल क्रिकेट भी चलेगा, जब ये शुरू हो रहा है तब बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी आएगी, IL20 जो है वो आएगी और SA20 का विकल्प जो है वो भी खिलाड़ियों के पास रहेगा। तो अभी चल रहा था हाल फिलहाल में। तो ओवरऑल ये है कि यार क्या PSL को सोचना पड़ेगा अपने आप को दोबारा। हालांकि मेरा भी ये मानना है कि यार अगर हर देश के पास अपनी एक लीग होगी तो आप अगर किसी एक दो देश के पास पैसा तगड़ा है तो अच्छी बात है, अगर पैसा तगड़ा नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है कि हर जगह। अच्छा, इनिशियली जब PSL शुरू हुआ था तो उन्होंने बड़ा अच्छा हिसाब किताब रखा था कि IPL से पहले PSL लग देंगे, लोग आएंगे खेलेंगे यहां से चले जाएंगे। लेकिन अब इशू क्या हो गया है कि सारे देश के इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी चल रहे हैं, जैसे श्रीलंका अफगानिस्तान खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड जो है वो आपस में खेल रहे हैं, इसके अलावा वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज चल रही है, इंडिया तो चले जाती नहीं है बट इंडिया के साथ भी सीरीज चल रही है इंग्लैंड वालों की।
तो इन सब के बीच में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको लेकर नुकसान होना पक्का था और वो यहाँ नहीं जा पाएंगे। अब सवाल ये कि अगर बड़े खिलाड़ी जाएंगे नहीं या बड़े देशों के नॉन प्लेयर नहीं जाएंगे तो फिर धीरे 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 क्या लीक्स का चाम खत्म नहीं हो जाएगा। हालांकि ये चीज तो चलिए पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, लेकिन जो हाथ में है वो बड़ा हैरान करने वाला है। मतलब जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जिस तरह का PSL का एंथम आया है, ये तमाम चीज़ें थोड़ी हैरान करने वाली हैं। एंथम में भी वो क्वालिटी की बात नहीं आई, और सबसे हैरानी की बात वही थी कि यार PSL में शादाब खान का जीन्स पहनना, रिजवान का फूफा बनकर खड़े हो जाना, मतलब बड़ा ही अनप्रोफेशनल सा माहौल था। इसलिए मेरे जहन में काफ़ी ख्याल आ रहा है। मुझे लगा अब आपसे पूछते हैं कि आपको लगता है कि ये एटीट्यूड सही है, ये इसकी वजह आपको क्या लगती है, क्यों ऐसा हुआ होगा और PSL क्या अपना चार्म खो देगा इन चीज़ों से। वेल, ये सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की दूरियां निश्चित तौर पर उन्हें परेशान करेंगी। अब इसमें साजिश है, प्लानिंग है या नॉर्मली हो रहा है, पता नहीं यार। ये PSL वो क्रिकेट का इवेंट है जिसका हर किसी को हर साल बड़ा इंतजार होता है, और इस क्रिकेट के इवेंट के लिए बड़ी तैयारियां भी की जाती हैं, और ये इवेंट भी पाकिस्तान में किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं होता। इसकी एक्साइटमेंट और मजा और भी ज्यादा इसलिए होता है कि ये टेंशन फ्री इवेंट होता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में ही मस्तियां करते हैं, हंसते हुए एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन इस साल इलेक्शन की वजह से इस इवेंट की हाइप काफी कम हो गई है। एक तो पहले ये इवेंट इलेक्शन के नीचे दब गया, और दूसरा इस क्रिकेट के इवेंट को फोटो शूट को लेकर अब इंडियन मीडिया ने भी कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाली है जो वाकई जेरे गौर है। खिलाड़ियों का मतलब PSL की टीम के कैप्टन्स का इस इवेंट के फोटो शूट पे प्रॉपर किट पहन के ना आना, जिसको जो दिल किया पहन के आ जाना, और कोई रश कोई मजा नजर नहीं आया। एक बेजान सा फीका सा PSL के कैप्टन्स के फोटो शूट का ये इवेंट नजर आया। इलेक्शन के नतज भी अभी तक कुछ वाजे तौर पर सामने नहीं आए, वो आ जाते तो PSL में भी पॉजिटिव असर होता। खैर, हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स को लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। जैसे जैसे मैच स्टार्ट होंगे, उम्मीद की जा रही है कि PSL का वो मजा और एक्साइटमेंट भी वापस आती नजर आएगी। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।